बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे जहाँ पे हमने लास्ट क्लास में छोड़ा था। और लास्ट क्लास में हमने जावास्क्रिप्ट बेसिक्स डिस्कस की थी, मैं वहीं से कंटिन्यू करूँगा। मैंने जो स्क्रिप्ट टैग में जावास्क्रिप्ट कोडिंग लास्ट क्लास में लिखी थी वो मैंने इंटेंशनली रिमूव कर दी है, सो दैट वी कैन स्टार्ट फ्रॉम द वेरी फ्रेश फाइल। सो अभी इस बेसिक से डॉक्यूमेंट में सिर्फ दो तीन चीज़ें हैं, यानी सिंपली एक मैंने H1 की हेडिंग डाली, एक पैराग्राफ डाला और एक सिंपली बटन डाला, जिसमें सिंपली बटन में मैंने लिख दिया क्लिक मी, एंड यू कैन इनफैक्ट लुक एट द कोडिंग टू हेडिंग पैराग्राफ एंड अ बटन। अब जावास्क्रिप्ट में मैं ये करना चाहता हूँ, बेसिकली आज की क्लास का जो ऑब्जेक्टिव है वो मैं इवेंट्स और इवेंट्स हैंडलिंग पे बात करूँगा, बिकॉज हम लूप्स भी डिस्कस कर चुके हैं, कंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट्स भी देख चुके हैं, स्विच वगैरह भी देख चुके हैं। तो अब हम मूव कर रहे हैं टूवर्ड्स फंक्शंस। तो फंक्शंस को पढ़ाने से पहले मैं इंटेंशनली ज़रा फंक्शन का पर्पज़ आपको बता दूँ, और कुछ बिल्ट इन जो फंक्शंस हैं मैं उन्हें कॉल करके बताऊँगा ऑन इवेंट ऑफ अ फ्यू थिंग्स। यानी अगर बटन पर क्लिक हो तो कोई इवेंट कॉल हो, अगर डबल क्लिक हो तो कोई फंक्शन परफॉर्म हो, अगर यानी मैं ये इवेंट्स बता रहा हूँ कि प्रोग्रामिंग कॉन्टेक्स्ट में, स्पेसिफिकली जावास्क्रिप्ट के कॉन्टेक्स्ट में इवेंट्स किसको बोलते हैं। इवेंट्स दो तरह के होते हैं, यानी कुछ माउस के इवेंट्स होते हैं और कुछ कीबोर्ड इवेंट्स होते हैं। सिंपली हम कुछ इवेंट्स की मैं मिसाल दे दूँ, अगर माउस से मैं सिंपल क्लिक कर दूँ तो ये एक इवेंट कहलाएगा, डबल क्लिक करना एक अलग इवेंट है, इसी तरह माउस को ड्रैग करना अलग इवेंट है, किसी एलिमेंट के ऊपर माउस को हॉवर करना अलग इवेंट है, माउस को उस एलिमेंट से आउट करना यानी वापस लेकर आना ये भी एक इवेंट है। इसकी अगर मैं मिसाल देना चाहूँ तो मैं सिंपली यहाँ पे अगर दिखाऊँ, ये एक बटन है तो मैंने इस पर क्लिक किया तो ये एक इवेंट परफॉर्म हो। अब इस इवेंट के अगेंस्ट कोई फंक्शनैलिटी परफॉर्म नहीं हुई, बिकॉज अभी मैंने जावास्क्रिप्ट में स्पेसिफाई ही नहीं किया कि वो इवेंट क्या करे। इसका मतलब ये है कि मेरे पास जावास्क्रिप्ट में काफ़ी लंबी चौड़ी लिस्ट ऑफ इवेंट्स हैं, और अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ कि कौन कौन से इवेंट्स जावास्क्रिप्ट में अवेलेबल हैं तो मैं सिंपली यहाँ पे लिखूँगा यहाँ पे अगर मैं ऑन लिखूँ तो आप ये देखें, या इससे भी बेहतर है कि सिंपली गूगल पे सर्च करें जावास्क्रिप्ट इवेंट्स, एंड यहाँ पे अगर मैं ये जो फर्स्ट लिंक कोई भी आए, जस्ट मुझे आपको दिखाना है लिस्ट के इवेंट्स क्या होते हैं, यू कैन ट्राई देम टू एज वेल। सो मिसाल के तौर पे ये देखें, अगर मैं फिर सिर्फ फिलहाल ये ऑन को इग्नोर करूँ, सिर्फ आप ये देखें, चेंज का इवेंट, क्लिक का इवेंट, माउस ओवर का इवेंट, माउस आउट ये भी एक इवेंट नेम है, की डाउन इवेंट नेम है और लोड इवेंट नेम है। ये शुरू में ऑन क्यों लगता है मैं इसको भी एक्सप्लेन करता हूँ, बट राइट नाउ फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी इट्स गुड फॉर द बिगिनर्स कि आप सिंपली ये याद रखेंगे, चेंज, क्लिक, माउस ओवर, माउस आउट, की डाउन एंड लोड, इनमें से भी हम एक इवेंट को देखेंगे आज, क्लिक के इवेंट को। अब दूसरा सवाल ये है कि क्लिक का इवेंट हमने कैसे यूज़ करना है। तो नॉर्मली देखें कि जिस एलिमेंट HTML के जिस एलिमेंट पे भी आप इवेंट हैंडल करना चाहें या इवेंट परफॉर्म करना चाहें या इवेंट परफॉर्म करने के अगेंस्ट कोई एक्शन परफॉर्म करना चाहें, तो आप उस एलिमेंट के टैग में जाएंगे और उस टैग में लिखेंगे ऑन और ऑन के बाद कोई भी इवेंट का नाम। ये हमेशा कन्वेंशन है। अब ये जो ऑन क्लिक है ये इवेंट नहीं है, बल्कि इसे हम कहेंगे इवेंट हैंडलर। इवेंट हैंडलर का मतलब ये है कि जब भी इस पे यानी इस बटन पे कोई क्लिक हो तो उस क्लिक के अगेंस्ट जो फंक्शनैलिटी परफॉर्म करवानी है हमने, वो हम इस इवेंट हैंडलर में स्पेसिफाई करते हैं। तो सिंपली जितने भी इवेंट्स जावास्क्रिप्ट में डिफाइंड है, हर इवेंट के लिए एक इवेंट हैंडलर डिफाइंड है। यानी अगर क्लिक इवेंट है तो उसका जो इवेंट हैंडलर होगा वो ऑन क्लिक होगा, डबल क्लिक इवेंट है तो इसका इवेंट हैंडलर DBL क्लिक होगा, चेंज एक इवेंट है तो इसका जो इवेंट हैंडलर है वो ऑन चेंज होगा। सो दिस इज समथिंग विच आई वॉज टॉकिंग अबाउट कि ऑन चेंज क्या है, क्लिक एक इवेंट है, ऑन क्लिक उसका इवेंट हैंडलर है, ठीक, फिर ऑन चेंज, चेंज इवेंट था तो ऑन चेंज उसका इवेंट हैंडलर है।
अभी मैं जस्ट एक एग्जांपल देता हूँ, हम अलर्ट पढ़ चुके हैं. सो मैं चाहता हूँ कि ये अलर्ट आए, अलर्ट बिल्ट इन फंक्शन है. अगर आपने नॉर्मल साबका प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में बिल्ट इन फंक्शंस पढ़े हैं, अलर्ट इज सिंपली अ बिल्ट इन फंक्शन. सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जी, हेलो आई हैव बीन क्लिक्ड, या सिंपली हेलो आई एम क्लिक्ड. सो अब मैंने क्या किया, मैंने कहा जब भी क्लिक हो इस पर्टिकुलर बटन पे, तो मैंने इस बटन के अगेंस्ट या इस बटन के साथ एक इवेंट हैंडलर एसोसिएट कर दिया. और कैसे एसोसिएट करना है, सिंपली ऑन क्लिक इक्वल्स टू डबल कोट्स, और इस डबल कोट्स के अंदर मैं जावास्क्रिप्ट की कोई स्टेटमेंट लिख सकता हूँ. और इस केस में मैंने सिंपल सी जावास्क्रिप्ट की स्टेटमेंट लिखी जो हमने डे वन में पढ़ी थी, कि हेलो आई एम क्लिक्ड. अच्छा, अब जब मैं इस पेज को रिफ्रेश करूंगा तो नथिंग वुड हैपन, कोई इवेंट या अलर्ट वगैरह नहीं आया, बिकॉज मैंने उस अलर्ट को स्क्रिप्ट में नहीं लिखा, बल्कि सिंपली ये लिखा कि जब इस बटन पे क्लिक हो तो अलर्ट हो. अब मैं जब इस पे क्लिक करूंगा तो मुझे अलर्ट आ गया, हेलो आई एम क्लिक्ड. तो इससे पहले हमने जावास्क्रिप्ट की जो कोडिंग पढ़ी थी वो कंट्रोल्ड नहीं थी, यानी हम उसे किसी बटन के क्लिक पे या डबल क्लिक पे या चेंज पे या पेज के लोड वगैरह पे हम उसे कॉल नहीं करवा सकते थे. बट राइट नाउ वी आर केपेबल टू डू समथिंग विच इज़ के जब हम किसी बटन पे क्लिक करें तो हमें एक एक्शन परफॉर्म कर दे. और इस केस में अगर मैं इसको रीड करूं तो ये कहूंगा कि मैंने इस बटन पे एक इवेंट परफॉर्म किया, उस इवेंट को हैंडल किसने किया, इस इवेंट हैंडलर ने, विच इज़ ऑन क्लिक. और इवेंट हैंडलर ने कैसे हैंडल किया, यानी उसने कोई भी एक्शन परफॉर्म कर दिया जो हमने यहाँ पर स्पेसिफाई किया. अब अगर मैं यहाँ इसी तरह, ये तो एक बटन था, अगर मैं सिंपली H1 पर भी यही ऑन क्लिक का इवेंट रन करूं और इस पे भी अलर्ट लिख दूं, सिर्फ ये बताने के लिए कि आप ये जो इवेंट हैं या इवेंट हैंडलर है वो किसी भी HTML के एलिमेंट के साथ एसोसिएट कर सकते हैं, ठीक है. मैं ये चाहता हूँ कि जब इस पे क्लिक हो तो एक अलर्ट हो कि आई एम अ या एन हेडिंग. तो अब जब मैं हेडिंग पे क्लिक करूँगा तो इट शुड शो एन अलर्ट मैसेज आई एम एन हेडिंग, और जब मैं बटन पर क्लिक करूंगा तो हेलो आई एम क्लिक्ड. तो यूँ पता ये चला कि हम किसी भी इवेंट हैंडलर के अगेंस्ट कोई भी फंक्शन कॉल कर सकते हैं. नॉर्मली सी प्रोग्रामिंग में या सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग में आप फंक्शन को डिफाइन करते हैं और फिर फंक्शन को कॉल करते हैं. तो फंक्शन अपनी फंक्शनैलिटी तभी परफॉर्म करता है जब आप उस फंक्शन को कॉल करते हैं, विदाउट कॉलिंग वो फंक्शन अपनी फंक्शनैलिटी को परफॉर्म नहीं कर सकता, बेशक आपने उस फंक्शन को डिफाइन किया हो, सारा कुछ किया हो, जब तक कॉल नहीं करेंगे वो फंक्शन एग्जीक्यूट नहीं होगा. बिल्कुल यही बात है. यहाँ जावास्क्रिप्ट में बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की तरह फंक्शंस की भी दो टाइप्स हैं, अभी हम पढ़ते हैं फंक्शंस को डिटेल के साथ. लेकिन जस्ट टू हैव अ ब्रीफ समरी या इंट्रो, के देर आर टू टाइप्स ऑफ फंक्शन, एक को हम कहते हैं बिल्ट इन फंक्शन और एक को हम कहते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शन. ये जो अलर्ट है ये बेसिकली बिल्ट इन फंक्शन है, इसलिए हमें कोई ज़्यादा तरद्दुद नहीं करना पड़ा, हमने सिर्फ अलर्ट लिखा और एक पैरामीटर विच इज़ अ स्ट्रिंग पास किया तो उसने हमें अलर्ट दे दिया ऑन क्लिक ऑफ दैट पर्टिकुलर कंसर्न एलिमेंट. यानी इंट्रोडक्शन पर मैंने क्लिक किया तो हेलो आई एम हेडिंग, और यहाँ पर क्लिक किया तो हेलो आई एम क्लिक्ड. अब मैं एक छोटा सा इसमें चेंज करने लगा हूँ, और वो चेंज ये है कि मैं यहाँ फंक्शन डिफाइन करने लगा हूँ. नॉर्मली जावास्क्रिप्ट में फंक्शन को लिखने का एक खास सिंटेक्स है, क्योंकि मैं पहले बता चुका हूँ कि जावास्क्रिप्ट में डेटा टाइप्स उस तरह से हम नहीं लिखते जिस तरह मोस्टली हम सी प्लस प्लस या सी या बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखते हैं. तो यहाँ पे भी फंक्शन की रिटर्न टाइप हम स्पेसिफाई नहीं करेंगे, बल्कि सिंपली ये जो फंक्शन है ये एक कीवर्ड है. जब भी हमें यूजर डिफाइंड फंक्शन लिखना होगा या फंक्शन डिफाइन करना होगा तो हम सबसे पहले फंक्शन के कीवर्ड लिखेंगे. फंक्शन के कीवर्ड लिखने के बाद बिल्कुल नॉर्मल जिस तरह हम बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में करते चले आए थे, हम फंक्शन का कोई सा भी नाम लिखेंगे. इस केस में मैंने टेस्ट लिखा बिकॉज मैं टेस्ट नाम से एक फंक्शन बनाना चाहता हूँ. बट ये रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप यहाँ पर टेस्ट ही लिखें, आप अपनी मर्जी का फंक्शन नेम दे सकते हैं. सिर्फ फंक्शन नेम वैलिड होना चाहिए, जिस तरह वेरिएबल नेम वैलिड होता है कि वेरिएबल नेम में स्पेस नहीं हो सकती, वेरिएबल नेम किसी नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकता, आगे नंबर हो सकता है स्टार्टिंग में नंबर नहीं हो सकता, उसमें कोई स्पेशल सिंबल नहीं हो सकता अदर देन अंडरस्कोर वगैरह वगैरह वगैरह. ये जो कुछ रूल हम वेरिएबल्स के लिए पढ़ते हैं तो जावास्क्रिप्ट में भी वही रूल्स अप्लाई होते हैं. वेरिएबल को नेमिंग देने के भी वो रूल्स हैं और फंक्शन को नेम देने के भी कुछ रूल्स हैं जो स्पेसिफाई करने. अच्छा,
अच्छा एक और याद रखिएगा, कन्वेंशन है कि जावास्क्रिप्ट में जो फंक्शन के नेम्स हैं वो कैमल केस में होने चाहिए। कैमल केस का मतलब ये है कि अगर तो फंक्शन के नेम में एक ही वर्ड है तो सारे लोअर केस लिखें, अगर एक से ज़्यादा वर्ड्स हैं तो आप कोशिश करें कैमल केस में। मिसाल के तौर पर मैं बजाय टेस्ट के इसे चेंज कॉन्टेंट लिख देता हूँ, ये चेंज कॉन्टेंट्स का फंक्शन। तो अब देखें ये फंक्शन को मैंने अपना नाम दिया चेंज कॉन्टेंट्स, चूंकि दो वर्ड्स थे तो मैंने पहला सारा लोअर केस में लिखा और अगले वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल में लिखा, तो दिस इज कॉल्ड कैमल केस नोटेशन। तो ये एक कन्वेंशन है, नेसेसिटी नहीं है, आप सारे लोअर केस में लिख देंगे तब भी फंक्शन चलेगा, तो लेकिन बेहतर है कि आप कन्वेंशन को फॉलो किया करें। सो जब भी जावास्क्रिप्ट में फंक्शन डिफाइन करना है आपको, तो आप फंक्शन का कीवर्ड लिखेंगे फॉलोड बाय एनी नेम ऑफ द फंक्शन फॉलोइंग द रूल्स ऑफ नेमिंग द फंक्शन एंड देन ओपनिंग एंड क्लोजिंग पैरेंथेसिस। अब फिलहाल मैं इसको खाली रखूंगा, लेकिन बाद में हम पढ़ेंगे कि जब हम किसी फंक्शन में कोई पैरामीटर वगैरह पास करते हैं तो फिर हम यहाँ पे कोई नंबर, कोई डिजिट, कोई कैरेक्टर, कोई स्ट्रिंग, डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट, कोई ना कोई वैल्यूज यहाँ पे रिसीव करेंगे या जहाँ पे कॉल करेंगे इसे वहाँ से पास करेंगे। एनी हो, सो फिलहाल जस्ट चेंज कॉन्टेंट्स का एक फंक्शन है, बल्कि मैं इसे सिंप्लिसिटी के लिए दोबारा टेस्ट कर देता हूँ। नेमिंग कन्वेंशन को अब आप याद रखना। अब मुझे करना ये है कि यहाँ पे मुझे कोई भी फंक्शनलिटी, अब बजाय इसके कि मैं ये अलर्ट यहाँ पे दूँ, मैं इसको कट कर देता हूँ और इस अलर्ट को यहाँ पे लिख देता हूँ। तो अब मैंने ये जावास्क्रिप्ट का फंक्शन तो बना लिया, बट वेयर डू और वेयर शुड और वेयर कैन आई कॉल दिस फंक्शन, इस फंक्शन को कॉल कहाँ कहाँ कर सकता हूँ। पहली बात तो यह है कि अगर मैं इस फंक्शन को यहीं सेव करके एग्जीक्यूट करूं तो कुछ भी नहीं होगा, इवन दो मैं इस पर क्लिक भी कर रहा हूं तो कुछ भी नहीं है। वजह उसकी यह कि मैंने यहां से ऑन क्लिक इवेंट हैंडलर तो दिया, उस इवेंट हैंडलर ने क्या परफॉर्म करना है वो हटा दिया यहां से। सो यहां पे मैं क्लिक भी कर रहा हूं तो कुछ नहीं हो रहा। तो सवाल यह है कि मेरा फंक्शन डिफाइंड तो है बट इट इज़ नॉट एग्जीक्यूटिंग, तो मैं इसे जब कॉल करूंगा तो एक तो ये तरीका है कि मैं इसे सिंपली स्क्रिप्ट में यहीं पर कॉल कर सकता हूँ। ठीक है, जब मैं यहीं पर कॉल करने का तरीका भी यही है कि फंक्शन का सिर्फ नाम लें और ओपनिंग क्लोजिंग पैरेंथेसिस डाल दें एंड कॉलन्स डाल दें, बिल्कुल सी प्लस प्लस वाला तरीका। तो ये मेरे फंक्शन की कॉल है। अब मैं अगर रिफ्रेश करूंगा इसको तो ये फंक्शन एग्जीक्यूट हुआ और उसके अंदर अलर्ट आई एम हेडिंग, तो चूंकि ये ब्लॉकिंग स्टेटमेंट है तो पेज तब तक आगे नहीं एग्जीक्यूशन परफॉर्म करेगा जब तक मैं इसे हटाऊंगा नहीं। सो मैंने हटाया तो बाकी का फंक्शन या बाकी का जो कंटेंट है वो डिस्प्ले हो गया। अब सवाल ये है कि हमने टेस्ट को यहाँ तो कॉल नहीं करना, यहाँ कॉल किया तो इसने तो पूरे पेज को ब्लॉक कर दिया डेफिनेटली, सो इट्स नॉट अ फीजिबल थिंग। तो मैं क्या करूँगा इस, अच्छा पहले ये सुन लें कि हम कहाँ कहाँ कॉल कर सकते हैं। हम इसको यहाँ स्क्रिप्ट के टैग के अंदर कॉल कर सकते हैं। अच्छा एक बात और, फंक्शन को डिफाइन करने से पहले कॉल करें या इसे डिफाइन करने से बाद कॉल करें, यानी आप पहले कॉल कर लें बाद में डिफाइन करें या पहले डिफाइन करें बाद में कॉल करें, दोनों सूरतों में चलेगा एज यू कैन सी। लेकिन ये दो जगह होगी फंक्शन को कॉल करने की, आप इसको स्क्रिप्ट के टैग के बाहर कॉल करेंगे तो इट वॉन्ट रन। देखें ये वो एज इट इज उसे एज अ टेक्स्ट ट्रीट कर रहा है, तो आप नॉर्मली जब भी फंक्शन को कॉल करेंगे तो इट इज मस्ट कि आप उसे स्क्रिप्ट के टैग के अंदर कॉल करेंगे। ओके, सो यहाँ कॉल करने का नुकसान तो आपने देख लिया कि पेज को ब्लॉक कर देता है, तो मैंने इसे कमेंट कर दिया, तो वेयर शुड नाउ आई कॉल दिस, तो मैं इस टेस्ट को कॉपी करूंगा और ये जो मैंने लिखा ऑन क्लिक, तो इस ऑन क्लिक पे पहले मैंने बिल्ट इन फंक्शन लिखा था दैट वॉज अलर्ट, अब मैंने यूजर डिफाइंड फंक्शन लिख दिया विच इज टेस्ट इन माई केस, और टेस्ट को मैंने यहाँ स्क्रिप्ट में डिफाइन किया हुआ। नाउ द मोमेंट आई एम गोइंग टू हिट प्रेस दिस इंट्रोडक्शन और क्लिक ऑन दिस पर्टिकुलर एलिमेंट, तो आई एम एन हेडिंग, वही फंक्शन चला अब मेरा यूजर डिफाइंड। तो अब यूं सिर्फ ये ज़रूरी नहीं है कि एक ही स्टेटमेंट, अब नॉर्मली ये होता है कि जब हम इनलाइन जावास्क्रिप्ट लिखते हैं यानी जहाँ पे हम इवेंट लिखते हैं वहीं इस इवेंट को हैंडल कर लें, तो एक आध स्टेटमेंट के लिए तो वो ठीक हो सकता है, लेकिन व्हाट इफ वी वांट टू राइट और वी वांट टू एग्जीक्यूट मल्टीपल स्टेटमेंट्स ऑन क्लिक इवेंट, तो अब आप मल्टीपल स्टेटमेंट भी कर सकते हैं, यानी इंस्टेड ऑफ ओनली राइटिंग आई एम हेडिंग, सो टेस्टिंग थर्ड लाइन लिख दें दिस इज ऑसम जेएस क्लास आर समथिंग लाइक।
Now we have written multiple lines, four lines in fact, in a same function, and we have called this function over here on click event. So now if I refresh it and I would go and click on this button, it would execute the first statement, then it would execute the next statement I'm testing, then it would execute the next statement, which is this is awesome, then next statement a JS class, then next statement. Aur interestingly ek aur baat aapne shayad note ki hogi, अब इसने पेज को भी ब्लॉक नहीं किया. मिसाल के तौर पे इफ आई एम डूइंग दिस तो पेज की ब्लॉकिंग नहीं हुई और हमारा नॉर्मली अलर्ट टैग भी चल रही है. आई एम हेडिंग, आई एम टेस्टिंग, दिस इज ऑसम, अ जेएस क्लास एंड समथिंग लाइक दैट. सो आई होप कि ये आपको क्लियर हो गया कि हम किस तरह से फंक्शन डिफाइन करते हैं, किस तरह से और कहां कहां उन फंक्शंस को कॉल कर सकते हैं, और फंक्शंस को किस तरह हम किसी इवेंट हैंडलर के साथ एसोसिएट कर सकते हैं, यानी इवेंट हैंडलर किसी HTML एलिमेंट के साथ एसोसिएट कर सकते हैं, और फिर यूजर डिफाइंड फंक्शन या बिल्ट इन फंक्शन उस इवेंट हैंडलर को दे सकते हैं या असाइन कर सकते हैं. ठीक है, सो दिस इज क्वाइट सिंपल. तो आई होप कि ये आपको क्लियर हो गया होगा. नेक्स्ट क्लास तक आप इसकी प्रैक्टिस करें, और नेक्स्ट क्लास में हम इंशाल्लाह यहाँ से मूव करेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि हम बाकी क्या कुछ कर सकते हैं. बिफोर द एंड ऑफ दिस क्लास आई वुड लाइक टू डू समथिंग जो कि अ बिट मोर इनफैक्ट प्रैक्टिकल. मैं बजाय अलर्ट शो कराने के यहाँ कोई फंक्शनैलिटी परफॉर्म करा देता हूँ. मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था लूप पढ़ाई थी, तो अगर मैं यहाँ पे कोई फॉर एग्जांपल कोई लूप चला दूँ, I can do that for let I equals to 0, I less than equal to 10, I plus plus, and then document dot write. ये भी हमने last time किया था, and then मैंने यहाँ पे लिख दिया जी I ही को print कर दिया. ठीक है, so now if I go over here, अब कुछ भी नहीं आ रहा, बट जब मैं इस पर क्लिक करूंगा तो इट हैज गिवन मी ऑल द वैल्यूज फ्रॉम 0 to 10. अच्छा, अब यहाँ पे एक मसला और है, डेफिनेटली इट्स आई लेट यू नो कि जब मैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखा तो ऑलरेडी जो कुछ डॉक्यूमेंट में था वो सब कुछ ओवर राइट हो गया. ठीक है, तो एक प्रॉब्लम है जो आपने जहन में रखना है. आई विल डेफिनेटली गिव यू द डिटेल एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस टू, बट जो काम मैं चाह रहा था वो हो गया. यहाँ पे एक और काम देख लें कि मुझे ये जो 0 से लेकर 10 तक काउंटिंग है, मुझे लेट सपोज, अच्छा पहले तो ये है कि ये इट्स लुकिंग ऑड कि मैं हेडिंग को क्लिक इवेंट दे रहा हूँ. जस्ट आपके बताने के लिए था कि हम ये काम कर सकते हैं. मैं अब यही काम इस बटन के क्लिक इवेंट पे करूँगा. ठीक है, टेस्ट दिस वन. सो अब बेसिकली मुझे क्या करना है, मुझे मैं ये चाहता हूँ कि जब मैं इस पर क्लिक करूँ तो ये जो नंबर्स हैं ये सेपरेट लाइंस में आ जाएं, और मतलब ऊपर नीचे आ जाएं, अभी लाइंस ब्रेक नहीं हो. तो मैं क्या कर सकता हूँ, डॉक्यूमेंट राइट में लास्ट टाइम हमने ये भी पढ़ा था कि हम HTML के टैग्स भी दे सकते हैं, तो मैंने कॉमा दे के सेकेंड पैरामीटर में एक HTML का टैग दिया, क्योंकि HTML में BR का टैग इस्तेमाल होता है. तो अब ये क्या करेगा, लूप की हर आइट्रेशन में पहले आई को प्रिंट करेगा, फिर लाइन ब्रेक कर देगा, फिर अगली आइट्रेशन में आएगा आई को प्रिंट करेगा, लाइन ब्रेक कर देगा. सो लेट्स हैव अ लुक कि वेदर इट इज वर्किंग करेक्टली और नॉट. ओके, आई मेड अ मिस्टेक, इट्स नॉट अ बी रादर इट्स बी आर. ठीक है, सो यस, नाउ 0 से लेकर 10 तक सारे डिजिट्स जो है वो टॉप टू बॉटम आ गए. अब यहाँ हम इसके साथ बहुत सारा कुछ कर सकते हैं. मिसाल के तौर पे इफ आई आस्क यू टू प्रिंट अ टेबल फ्रॉम 1 to 10, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ लाइक ये भी लिख सकता हूँ. मिसाल के तौर पे मैं 2 का टेबल प्रिंट करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ जी लेट नम इक्वल्स टू 2, एंड देन मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ जी नम, और फिर उसके बाद मैं सिंगल कोट्स में लिखना चाहता हूँ ये देन आई
देन सिंगल कोट्स में इक्वल्स आउटपुट आएगा, तो होपफुली आपको समझ आ जाएगी कि व्हाट आई वांट टू शो यू दिस वन। ठीक है, मैंने लिखना था पहले टू फिर मल्टीप्लाई, यानी जो चीज़ें मुझे कॉन्कैटिनेट करनी थी, अब मुझे ये फैसिलिटी देता है डॉक्यूमेंट डॉट राइट कि आप कॉमा के साथ सारी चीज़ें लिख सकते हैं। तो नम का मतलब ये है कि ये वाला नंबर अपीयर हो, कॉमा इस सिंगल कोट में लिखने का मतलब यह है कि ये एज अ स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट, ये एज इट इज अपीयर हो जाए। आई होप कि सी में आपने इस तरह का टेबल वगैरह प्रिंट कराया होगा, ये एज इट इज़ हर आइट्रेशन में आ रहा है। और उसके बाद जीरो से लेकर टेन तक, इसका मतलब ये है कि आई की जो भी वैल्यू है, ऑब्वियसली पहली इटरेशन में आई की वैल्यू जीरो होगी, फिर वन होगी, फिर टू होगी, तो ये भी सिंगल कोट्स में नहीं लिखा बिकॉज आई वांट इट्स वैल्यू। फिर मुझे इक्वल टू एग्जैक्ट एज इट इज़ चाहिए था, तो मैंने इक्वल टू लिख दिया, तो हर इटरेशन में इक्वल टू एज इट इज़ आया। एंड लास्टली मुझे क्या चाहिए कि यहाँ पे जो नम है वो मल्टीप्लाई कर दे उसको आई से एंड देन कॉमा। तो नम मल्टीप्लाई आई का मतलब ये है कि पहली दफ़ा नम मल्टीप्लाई बाई जीरो, नम में होगा जीरो, आई में भी होगा जीरो। मैं अगर इसका आउटपुट दिखा दूँ तो आई होप कि इट वुड वर्क। टू मल्टीप्लाई बाई जीरो, टू मल्टीप्लाई बाई वन, तो टू मल्टीप्लाई बाई जीरो डजेंट मेक सेंस, एंड हम इसको आई को वन से स्टार्ट कर देते हैं इंस्टेड ऑफ स्टार्टिंग इट फ्रॉम जीरो। तो नाउ इट डज मेक सेंस, टू मल्टीप्लाई बाई वन टू, टू मल्टीप्लाई बाई टू फोर, टू मल्टीप्लाई बाई थ्री सिक्स। तो बताने का मकसद ये था कि आप इस तरह से कोई प्रोडक्टिव काम भी कर सकते हैं। नाउ इट शुड नॉट बी क्लिक मी टेक्स्ट ओवर हियर ऑन द बटन, बल्कि प्रिंट टेबल ऑफ टू। ठीक है, अभी भी इसमें काफ़ी इंप्रूवमेंट की गुंजाइश है, बिकॉज हम इसको डायनामिक कर सकते हैं ताकि यूज़र जो नंबर एंटर करे उसी का टेबल प्रिंट हो, बल्कि वो कर भी लेते हैं बिकॉज यू हैव ऑलरेडी डन दैट। मैं सिंपली जब ये फंक्शन कॉल हो तो इस फंक्शन में मैं लिख देता हूँ जी लेट। अब मैं ये चाहता हूँ कि ये नंबर यूज़र से ले, जो नंबर यूज़र इंटर करे उसी का टेबल प्रिंट हो, तो मैंने इसे बोला प्रॉम्प्ट करो, और प्रॉम्प्ट में कहो जी इंटर अ नंबर, एंड देन आपको पता है कि जब प्रॉम्प्ट में नंबर आएगा तो वो एज अ स्ट्रिंग ट्रीट होगा। जैसे मैंने अभी किया, तो यहाँ मैं नंबर देता हूँ थ्री, तो मुझे थ्री का टेबल प्रिंट होना हो गया, उसे दिखाना चाहिए। और यस इट इज़ वर्किंग फाइन, एंड थ्री वन द थ्री, थ्री टू द सिक्स, थ्री थ्री दर नाइन, नाइन 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 एटसेट्रा। सो That's it. अच्छा, एक सवाल आपके जहन में आ रहा होगा कि अब मुझे पार्सिंग की ज़रूरत क्यों नहीं पड़ी। तो नॉर्मली अगर मैं इसे प्लस करता तो फिर पार्सिंग की ज़रूरत पड़ती, बिकॉज प्लस का बिहेवियर ओवरराइड हुआ है, यानी प्लस के दो बिहेवियर्स हैं कि स्ट्रिंग को वो ऐड करता है और नंबर्स को वो करता है, स्ट्रिंग्स को कॉन्कैटिनेट करता है, नंबर्स को ऐड करता है। तो अब जब मैंने प्लस यूज़ नहीं किया, मल्टीप्लाई यूज़ किया है, तो उसने उसकी ज़रूरत ही नहीं समझी कि इसको एज अ स्ट्रिंग ट्रीट करे। दैट्स वाई मेरा काम जो है वो बगैर पार्सिंग के भी यहाँ पे चल गया, अदरवाइज आप पार्सिंग भी कर दें तो दैट वुड इवन बी बेटर। तो अब अगर मैं यहाँ इसे दोबारा क्लिक करूँ, दोबारा अगर प्रिंट टेबल पे क्लिक करूँ, तो अब मुझसे फिर नंबर पूछेगा। मैंने नंबर दिया एट, तो दिस टाइम उसने एट का टेबल प्रिंट किया। फिर मैंने यहाँ पे नंबर दिया लेट सपोज टेन, तो उसने 10 का टेबल प्रिंट कर दिया। सो इन दिस वे वी कैन मेक द फंक्शनलिटी ऑफ जावास्क्रिप्ट एज अकॉर्डिंग टू आर रिक्वायरमेंट। इसको हम बहुत सारा कुछ कर सकते हैं। अभी के लिए अगर आपको चाहिए कि आप ये डॉक्यूमेंट के कंटेंट्स ना हटाएं, तो हम इसे कंसोल में भी लिख सकते हैं, यानी लेकिन इवन दैट्स नॉट द सोल्यूशन। मैं जस्ट बता रहा हूँ आपको फ्लेक्सिबिलिटी। हम प्रॉपर नेक्स्ट क्लास में ये काम करेंगे कि हम किस तरह एलिमेंट के या डॉक्यूमेंट के कंटेंट्स को डिस्टर्ब किए बगैर भी इसे प्रिंट करा सकते हैं। सो कंसोल डॉट लॉग अगर करेंगे तो ये टेबल जो है, अब यहाँ एक और अबनॉर्मल केस आ सकता है, अबनॉर्मल बिहेवियर आ सकता है, और वो ये नॉर्मली बी आर बी आर बी आर बी आर सब के साथ है, क्योंकि कंसोल डॉट लॉग अगर हम लिखते हैं तो फिर हमें बी आर लाइन ब्रेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, कंसोल डॉट लॉग ऑटोमेटिकली ये काम खुद ही कर देता है। So I don't need that. Rather, अब अगर मैं यहाँ पे करूँगा simply 89, so
उसने 89 का टेबल प्रिंट कर दिया और उसने HTML के कंटेंट को भी नहीं छेड़ा। बट दिस इज़ नॉट एक्चुअली द प्रैक्टिकल सोल्यूशन कि हम इसे कंसोल पर प्रिंट करें, वी हैव टू प्रिंट इट आफ्टर ऑल ऑन द डॉक्यूमेंट। बट चूंकि इसके लिए हमें पहले ये पढ़ना पड़ेगा कि हम HTML के जो एलिमेंट्स हैं उनको कैसे जावास्क्रिप्ट में टारगेट कर सकते हैं, तो दैट इज़ समथिंग विच वी विल टॉक अबाउट इन द नेक्स्ट क्लास। अंटिल नाउ आई होप कि आपको फंक्शंस को यूज़ करना, इवेंट्स क्या होते हैं उनका पता होना चाहिए, इवेंट हैंडलर्स क्या होते हैं उनका पता होना चाहिए, और हम कैसे बिल्ट इन फंक्शंस या यूज़र डिफाइंड फंक्शंस कॉल कर सकते हैं ऑन एनी ऑफ द HTML एलिमेंट, जस्ट लाइक दैट आई डिड इन दिस केस, इन केस ऑफ दिस बटन। सो होप सो दिस लेक्चर वुड हेल्प यू अंडरस्टैंड जावास्क्रिप्ट इवन अ बिट मोर देन दैट ऑफ लास्ट लेक्चर वेयर we had discussed very basics. तो आज हमने कुछ उससे ऊपर पढ़ा, तो नेक्स्ट क्लास में अब ये फंक्शन वगैरह डिवाइस कीजिएगा, इंशाल्लाह मज़ीद जावास्क्रिप्ट कुछ इंटरेस्टिंग काम करेंगे। तब तक अल्लाह हाफिज़, अस्सलामुअलैकुम।